अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात त्योहार की कर लेंगे। दुर्गा पूजा, दशहरा, करवा चौथ के बाद अब लोग बड़ी बेसब्री से धनतेरस और दीपावली का इंतजार कर रहे हैं। लोगों ने इन त्योहारों के लिए तैयारी शुरू कर दी है और तैयारियों के तहत लोग सोने चांदी के आभूषण, कपड़े, बर्तन, गाड़ी, घर की सजावट का सामान सब कुछ खरीद रहे हैं। लेकिन जो लोग धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर खरीदारी करना चाहते हैं, उनके लिए धनतेरस पर दोपहर से शाम तक का समय शुभ बताया जा रहा है। और खास बात यह है कि इस साल धनतेरस पर एक से बढ़कर एक संयोग भी बन रहे हैं। तो कौन कौन से ये संयोग हैं, देखिए। त्योहारों के लिए सज चुके देश भर के बाजार इन दिनों ग्राहकों से पूरी तरह गुलजार हैं। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोग धनतेरस और दीपावली की खरीदारी में जुटे हैं। कोई कपड़े और गहने खरीद रहा है तो कोई सजावट का सामान और नई गाड़ी खरीद रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बताने के लिए काफी है कि इस साल धनतेरस और दीपावली की शॉपिंग में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मेड इन इंडिया के तहत भारत में बनी ये लाइट्स जिन्हें लोग खरीद रहे हैं, जिन्हें लोग पसंद भी कर रहे हैं। राजा, इस तरह में दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को कि किस तरह से न सिर्फ लाइट्स, लड़ियां, बल्कि खूबसूरत दिए देख रहे हैं आप, ये भी ट्रेंड में है। और बाजारों में हमने ऐसी कई दुकानें देखी हैं जहां इस तरह की खूबसूरत जो ये लाइट्स हैं, ये लगाई हैं, जिन्हें आप अपने मंदिरों में लगा सकते हैं। कि एक बार दिखाएं कि ये वो ही सामान है जो दिवाली के मौके पर आप अपने घर लेकर जाते हैं, चाहे ये खूबसूरत से फूल हो, आर्टिफिशियल फूल, इसके साथ शुभ दीपावली जो गेटों पर लगाए जाते हैं, यानी रंग बिरंगी लाइटों के साथ ये डेकोरेशन का सामान जो दिवाली पर हर घर की जरूरत होता है, हर घर में इसकी खरीदारी होती है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो धनतेरस और दीपावली के शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना पसंद करते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए इस बार धनतेरस के मौके पर खरीदारी के लिए दोपहर से शाम तक का समय बहुत शुभ बताया जा रहा है। खासकर दोपहर 12:56 से 2:06 तक और फिर शाम 4:16 से 5:26 तक का समय सबसे शुभ है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने से घर में मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा हमेशा बनी रहती है। खास बात ये भी है कि इस साल धनतेरस पर 50 साल बाद अद्भुत संयोग बन रहा है। इस बार धनतेरस का पर्व पराक्रम योग के साथ शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन शुक्र प्रदोष भी रहेगा, जिस कारण शुक्र प्रदोष और धन त्रयोदशी का महासंयोग बन रहा है। साथ ही विश्व कुंभ योग भी है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक इन शुभ योगों में की गई खरीदारी और किसी नए काम की शुरुआत लंबे वक्त तक फलदायी होती है। इतना ही नहीं, इन शुभ योगों में किए गए कामों में सफलता की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। खास तौर से कलश खरीदना या पानी वाले बर्तन खरीदना धनतेरस के लिए ज्यादा शुभ माना गया। तो धनतेरस पर दो चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, एक है आपके स्वास्थ्य और आपके आयु की रक्षा, और दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण है संपन्नता के लिए, समृद्धि के लिए बर्तन खरीदना, आभूषण खरीदना और दान करना। गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां खरीदिए और ये दोनों मूर्तियां ज्वाइंट ना हो, ये दोनों मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए। खील, बताशे और मिट्टी के दीपक ये भी खरीदिए। एक बड़ा सा मिट्टी का दीपक भी जरूर खरीदिए। चाहें तो धनतेरस पर अंकों का बना हुआ, नंबर्स का बना हुआ कोई यंत्र भी खरीद सकते हैं और इस यंत्र की पूजा आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं। वैसे भी धनतेरस पर सोना, चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा है। ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी धनतेरस से पहले लोग सोने, चांदी और बर्तनों की दुकानों में जमकर खरीदारी कर रहे हैं।
जैसे ही मौका धनतेरस का होता है तो चांदी का सिक्का जिसपे लक्ष्मी गणेश बने हो, आपने भी खरीदा होगा, इस बार की क्या प्लानिंग है खरीदने वाले? जो गणेश जी की और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति होती है चांदी की जो होती है वो वाली खरीदने का प्लान है। बिल्कुल, तो देखिए वो इस टाइम पे ना शुभ होती है, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है, लोग कोई मिट्टी की खरीदते हैं, कोई सोने की, कोई किसी उसकी खरीदते हैं, लेकिन चांदी की जो वो ज्यादा सबसे ज्यादा शुभ होती है। मेरी एक सोच है कि चाहे तुम एक 10 रुपए का खरीदो, चाहे 500 का एक कॉइन खरीदो, लेकिन एक मन में सेटिस्फेक्शन है कि मैंने धनतेरस पे लक्ष्मी जी अपने घर लाया है, तो मैं एक कॉइन खरीदूंगी धनतेरस पे सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग, आते ही स्टोर पे एक सिल्वर का कॉइन खरीदूंगी और जिस कॉइन को मैं खरीदूंगी घर जाके मैं उसी की ही पूजा करूंगी, उस पर लक्ष्मी जी गणेश जी का वास होता है, पूरी पिक्चर होती है, उन्हीं से पूजा करके मैं अपने घर में लक्ष्मी जी को प्रवेश करूंगी। अच्छा, मैं एक चीज देख रही हूँ कि इतनी बड़ी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है, उससे छोटी भी है, हम अलग अलग एंटीक डिजाइन में भी देख रहे हैं और ये सिक्के बेहद खास और अट्रैक्टिव, क्योंकि चांदी गणेश का सिक्का लोग बहुत चाव से खरीदते हैं और सबसे ज्यादा शायद यही खरीदा जाता है। हाँ जी, सबसे ज्यादा मतलब कि कॉइन्स वगैरह कस्टमर बहुत ही शौक से खरीदते हैं। हमारे पास 5 ग्राम से लेकर 1 किलो तक के सिक्के सारे तरह की वैरायटी अवेलेबल है और लक्ष्मी गणेश के सिक्के तो आपको पता ही है सबसे ज्यादा कस्टमर खरीदते हैं। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस धन धान्य समृद्धि के अलावा स्वास्थ्य और आरोग्यता से जुड़ा होता है, इसीलिए इस दिन धन के लिए देवी लक्ष्मी और कुबेर के अलावा आरोग्य के लिए प्रदोष काल में की गई भगवान धन्वंतरी की पूजा काफी शुभ मानी जाती है। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात प्रदूषण की कर लेते हैं, क्योंकि इन दिनों दिल्ली और NCR और उसके आसपास के शहरों में देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वायु प्रदूषण की समस्या लगातार बनी हुई है और इसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पोल्यूशन के इस संकट से निपटने के लिए कोर्ट से लेकर सरकारों तक हर कोई इसका सॉल्यूशन ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल रहे। हालात ये हो गए हैं कि वायु प्रदूषण के कारण तरह तरह की बीमारियों ने इंसानों को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि शहरों में छाए ये वायु प्रदूषण लोगों की याददाश्त पर भी बुरा असर डाल रहा है, तो कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। नवंबर के महीने में दिल्ली समेत देश के कई शहरों में लोगों के लिए सांसों का संकट खड़ा हो गया है। वजह है आसमान में छाया ये घना स्मॉग, जो हर साल की तरह इस साल भी हर गुजरते दिन के साथ और बढ़ता जा रहा है। हालत ये हो गई है कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जो लोग रोजमर्रा के कामकाज और नौकरी पेशे के लिए घरों से निकल रहे हैं वो इस जहरीली हवा के सीधे शिकार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी नवजात बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और सांस के मरीजों को पेश आ रही है। दिल्ली NCR में बढ़ता प्रदूषण बच्चों को प्रभावित करता है, ये बात आप जानते हैं, लेकिन आज आपको हम बता रहे हैं कि ये प्रदूषण किस तरह से नवजात बच्चों को भी बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। हम नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में मौजूद हैं, फेलिक्स हॉस्पिटल में, और यहाँ पर कई सारे आप ऐसे नवजात बच्चे देखेंगे जो कि नेबुलाइजेशन पर हैं, जिन्हें इस तरह से यहाँ पर रखा गया है क्योंकि इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आप ये बात सोच रहे होंगे कि बच्चों को तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें कुछ देर के लिए इस तरह रखा ही जाता है डॉक्टर के सलाह पर, लेकिन इसमें अब पोल्यूशन का एक बड़ा रोल है, पोल्यूशन एक बड़ा फैक्टर है। कैसे, ये हम आपको समझाने और दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ज़ेबा हैं। मैम, इतने छोटे बच्चे नेबुलाइजेशन पर हैं, क्या ये पोल्यूशन की वजह से है? ये एक तरह से सही बोल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी जो एयर क्वालिटी है इतनी पुअर हो गई है कि जो न्यू बॉर्न्स हैं उनमें भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही है, और ये प्रॉब्लम इनकी वजह से नहीं है, एक्चुअली जो मदर्स हैं वो एक्सपोज हो रही हैं एनवायरनमेंट को। इस वायु प्रदूषण के कारण अस्पतालों में मरीज बढ़ने लगे हैं, कोई आंखों में जलन की शिकायत लेकर पहुंच रहा है तो किसी को गले में दिक्कत महसूस हो रही है, लेकिन इस वायु प्रदूषण का खतरा यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि ये इंसानों की याददाश्त को भी कम कर सकता है। दरअसल वायु प्रदूषण के सेहत पर पड़ने वाले असर को लेकर की गई रिसर्च में ये पाया गया है।
कि वायु प्रदूषण वाले इलाकों में रहने वाले लोगों में अल्जाइमर्स और पार्किंसन जैसी बीमारियां होने का खतरा 56% ज्यादा हो सकता है। यानी ये दोनों बीमारियां उम्र के साथ इंसान की याददाश्त को कम करने वाली हैं। ये देखा गया है कि जब एयर क्वालिटी इंडिसेस पुअर होते हैं तो उस देश में या उस जगह में हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स, कॉरोनरी आर्टरी इवेंट्स के इंसिडेंट्स, ब्लड प्रेशर का बढ़ना अगेन एक लाजमी हो जाती है। तीसरी चीज जो हम भूल जाते हैं वो है दिमाग में पड़ने वाली परेशानी। जिन लोगों को देखा गया है कि अंडरलाइंग ब्रेन की प्रॉब्लम है, चाहे वो साइकोसिस को जैसे स्किजोफ्रेनिया हुआ या डिप्रेशन हुआ, तो जहां पर एयर इंडिसेस पुअर हैं वहां पर विजिट्स टू मेंटल फैसिलिटीज हैं वो बढ़ जाती हैं, लोगों को प्रेसिपिटेट स्किजोफ्रेनिया या डिप्रेशन होने के चांसेस कम होते हैं, नॉर्मल आदमी में हेडेक, इरिटेबिलिटी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन जैसी चीजें होनी बड़ी कॉमन है। अगर ये पॉल्यूशन परसिस्टेंट रहे तो लॉन्ग टर्म पे देखा गया है कि इवन मेमोरी लॉस भी लोगों का नोटिस किया गया है। प्रोफेसर संजय जैन के इस बयान को दिखाने का हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको वायु प्रदूषण के खतरों के प्रति आगाह करना है। ऐसे में जरूरी है जो लोग वायु प्रदूषण वाले शहरों में रह रहे हैं वो अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें, इसके बारे में डॉक्टर गौरव गोयल से अब ये भी जान लीजिए। इसकी रोकथाम के लिए जो हम बेसिकली कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि हम थोड़ा घर पे योगा करें, आउटडोर एक्टिविटीज को लिमिट करें ताकि इसका एक्सपोजर हमारे लिए कम हो जाए, और जिसको हम बोलते हैं कि एंटीऑक्सीडेटिव फूड्स जो होते हैं, जो हमारे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, वो हम खाएं रेगुलरली, क्योंकि वो खाने से इन पार्टिकल्स का असर को हम काफी हद तक निलिफाई कर सकते हैं। पानी खूब पिए, हाइड्रेटेड रखें अपने को। एक्सपर्ट पहले ही इंसानों पर पड़ने वाले इन प्रभावों को लेकर कई बार आगाह कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस एयर पॉल्यूशन का कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। यही वजह है कि अब हालात बेकाबू होते देख देश की सबसे बड़ी अदालत को भी एक बार फिर आगे आना पड़ा है। जरूरी ये भी है कि इन हालात में लोग डॉक्टरों की सलाह पर 100% अमल करें ताकि वायु प्रदूषण के कारण होने वाली इन बीमारियों के चपेट में आने से बचा जा सके। नोएडा से मनीष चौरसिया और चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के फायदे की भी कर लेते हैं। करीब 300 किलोमीटर और 5 घंटे की दूरी पर पंचकुला के पिंजौर में वो हॉट एयर बलून में राइड का मजा ले सकते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हॉट एयर बलून सफारी का शुभारंभ कर दिया, और इसके लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और राज्य के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर के साथ आसमान में उड़ान भरी, हवा से जंगल में वन्य जीवों को निहारा, जमीन पर उतरने के बाद अपने अनुभवों को साझा भी किया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने कालका में हॉट एयर बलून की शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई है। आप देख सकते हैं कि इस हॉट एयर बलून में इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आपको नजर आ रहे हैं। शिवालिक की पहाड़ियों में प्रकृति के आनंद लेने के लिए ये सुंदर जो हॉट एयर बैलून के जरिए निहारा जा सकता है, जिसकी जो शुरुआत है आज की गई है। फिलहाल ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस हॉट एयर बैलून में नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो हॉट एयर बैलून है लगभग 4000 फीट की ऊंचाई तक जाएगा और प्रकृति की गोद में हिमाचल और कालका के बॉर्डर पर ये शुरुआत इसकी की गई है। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस हॉट एयर बलून में आपको नजर आ रहे होंगे। हरियाणा के पिंजौर में हॉट एयर बलून के संचालन की जिम्मेदारी स्काई वॉल्स नाम की एक कंपनी के पास है, जो पहले से ही राजस्थान,
दिल्ली एनसीआर के अलावा महाराष्ट्र में भी खुली हवा में उड़ान भरने के शौकीन पर्यटकों को हॉट एयर बलून सफारी से जुड़ी सेवा दे रही है। साल 2008 में ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत आने वाले रेगुलेटरी बॉडी डीजीसीए की तरफ से कंपनी को देश के किसी भी हिस्से में हॉट एयर बलून सेवा शुरू करने की इजाजत मिल चुकी है। पर्यटन के लिहाज से कई अहम शहरों में पहले से ही हॉट एयर बलून सफारी की सेवा चल रही है और इसी कड़ी में आज हरियाणा के पिंजौर में भी इस सेवा का आगाज हो गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से अभी फिलहाल कंपनी को हॉट एयर बलून सेवा के संचालन की जिम्मेदारी अगले 2 साल के लिए दी गई है। इस दौरान स्काई वॉल्स कंपनी को होने वाले नुकसान की भरपाई भी राज्य सरकार ही करेगी। फिलहाल 45 मिनट की उड़ान के लिए हर व्यक्ति को 13,000 रुपए चुकाने होंगे और इसी वजह से माना जा रहा है कि इस एडवेंचर का मजा ज्यादातर विदेशी पर्यटक ही ले पाएंगे। उत्तर हरियाणा के क्षेत्र में और खास करके हिमाचल का गेटवे ऑफ हिमाचल जिसको हम कहते हैं, तो हॉट एयर बैलून ये चर्चा बहुत दिनों से कंपनी के साथ चल रही थी। हालांकि बहुत वायबल उनको अभी ये प्रोजेक्ट नहीं था, तो हमने अश्योर किया कि आपका जो वीजीएफ के नाते से जो नुकसान लॉस है 2 साल तक हरियाणा सरकार देगी, उनके साथ सारी बातचीत होने के बाद और आज ये हॉट एयर बैलून का जो एक प्रोजेक्ट है इसको आज शुरू किया गया है। आज लॉन्चिंग के समय हम लोग, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर और हमारे स्पीकर साहब, हमारे प्रमुख लोग जितने भी थे, 6 लोगों ने हम उसमें किया है और उसके अंदर अनुभव बहुत अच्छे अनुभव आए हमारे। अब ये लगातार 2 साल तक अब चलेगी। हमने इसमें 72 लाख रुपया वीजीएफ 2 साल के लिए सैंक्शन किया, 13,000 रुपया पर ट्रिप का पर पर्सन ये इनका भी जो टिकट का चार्जेस है, जैसे मैंने बताया बड़ा हाई एंड का है ये, लेकिन जिन लोगों को जो कैपेबल है इस बात के, जो जिनकी पॉकेट दे सकती है, वो अपना चलेंगे चढ़ेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री भी ये बात मान रहे हैं कि जिनकी पॉकेट अलाउ करेगी वो जरूर इसका मजा लेंगे, लेकिन यूरोपीय देशों की तरह ही हाल के कुछ सालों की बात करें तो भारत में एडवेंचर टूरिज्म का चलन काफी बढ़ा है और हर साल 20-25% की रफ्तार से पर्यटन उद्योग में इजाफा भी हुआ है। एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने में दूसरे देशों से आ रहे सैलानियों का भी अच्छा खासा योगदान है। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के मुताबिक बाहर से आ रहे पर्यटकों की वजह से भी एडवेंचर टूरिज्म हर साल 5-7% की दर से बढ़ रहा है। भारत की जीडीपी में अच्छा योगदान देने वाले रोमांचक और साहसिक पर्यटन उद्योग करीब 2000 करोड़ का हो चुका है। हालांकि अब भी भारत में एडवेंचर टूरिज्म असंगठित ही है, लेकिन फिर भी साल 2018 में केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने एडवेंचर टूरिज्म के लिए कुछ सुरक्षा मानक बनाए हैं जिसमें जल, थल और वायु में जुड़े एडवेंचर खेल शामिल हैं। क्योंकि पर्यटन स्थलों पर घूमने फिरने के अलावा एडवेंचर गेम एक्टिविटीज या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की तरफ भी पर्यटकों का ज्यादा रुझान रहता है, तो एडवेंचर एक्टिविटीज की भी जब भी बात होती है तो हॉट एयर बलून का नाम अपने आप में रोमांच पैदा करता है। हॉट एयर बलून से आसमान में उड़ान भरने के दौरान हरा भरा हरियाली वाला क्षेत्र आप अच्छे से देख पाते हैं। खुले आसमान में, खुली हवा में पंछी की तरह उड़ने का आप मजा भी ले सकते हैं। हालांकि इस एडवेंचर एक्टिविटी के दौरान कुछ सावधानियां जरूर बरतनी होती हैं। सबसे पहले शर्त यह है कि हॉट एयर बलून में सवार होने वाले व्यक्ति का शारीरिक रूप से फिट होना बहुत जरूरी है, चुस्त तंदुरुस्त होना चाहिए। इसके अलावा मानसिक रूप से भी मजबूत जरूर होना चाहिए, तभी आप बड़े से गुब्बारे में इससे जुड़ी एक जहां पर छोटी सी टोकरी होती है उसमें सवार आप हो सकते हैं। दरअसल इस बड़े से गुब्बारे को उड़ाने के लिए एक बर्नर और उसे कंट्रोल करने के लिए गियर लगा होता है, जिसके सुरक्षित संचालन की जिम्मेदारी टोकरी में ही सवार प्रशिक्षित पायलट की होती है, जो सिंगल राइड में अपने साथ ज्यादा से ज्यादा 6 पर्यटकों को ले जा सकता है। गर्म हवा की मदद से ऊपर उठने वाला गुब्बारा एक बार में ज्यादा से ज्यादा 7 लोगों को ले जा सकता है। गर्म हवा की वजह से उड़ने वाला बलून 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक आसमान में रह सकता है और इस दौरान वो 1000 से लेकर 4000 फीट तक की ऊंचाई छू सकता है। हालांकि दूसरे देशों में कई बलून 90,000 फीट तक की ऊंचाई भी छू सकते हैं। बलून को उड़ाने और नीचे उतारने के लिए प्लेटफॉर्म जैसी व्यवस्था की जाती है ताकि टेक ऑफ और लैंडिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो और उसमें सवार हर पर्यटक सुरक्षित भी रहे। हॉट एयर बलून को हवा की जरूरत होती है, इसीलिए इस दौरान यह भी ध्यान में रखा जाता है कि हवा की गति तेज ना हो। उड़ान के दौरान हॉट एयर बलून ऊपर और नीचे तो किया जा सकता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन यानी कि हवा के हिसाब से ही तय होती है और अगर हवा की गति तेज होने की वजह से पहले से तय डेस्टिनेशन पर नहीं उतर पाता तो बलून उड़ा रहे
पायलट को सुरक्षित जगह ढूंढने में करीब 15 मिनट का वक्त लग जाता है। जहां भी ऐसी जगह मिलती है वहीं पर लैंडिंग हो पाती है, और यही वजह है कि हॉट एयर बलून का संचालन ज्यादातर सुबह और शाम के वक्त ही किया जाता है। इमरजेंसी में हॉट एयर बलून को उतारने के लिए भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई होती है ताकि उसमें सवार पर्यटकों को किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो। अपने आप में काफी रोमांचक है हॉट एयर बलून की राइड। एक बार में 7 लोग ही इसमें सवार हो पाते हैं, लेकिन बहुत सावधानियों के साथ ही इसको संचालित किया जाता है। हरियाणा के पिंजौर में इसकी शुरुआत की गई है। जाहिर सी बात है कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के लोगों को बहुत फायदा होगा। हालांकि 13,000 रुपए इसका टिकट है, लेकिन वही बात जो मुख्यमंत्री खुद भी कह रहे थे कि जो अफोर्ड कर पाएगा वही सवार होगा। और बड़ी खास बात यह है कि विदेशी टूरिस्ट अक्सर हिमाचल आते हैं घूमने के लिए, और बहुत सारे ऐसे विदेशी पर्यटक भी हैं जो पंजाब भी आते हैं, जो लोग विदेशों में रहते हैं वो भी इसका मजा ले सकते हैं, क्योंकि सबसे करीब डेस्टिनेशन अगर देखा जाए तो पिंजौर ही पड़ेगी। पिंजौर अपने आप में बेहद खूबसूरत है, बहुत ग्रीनरी है, सटा हुआ है हिमाचल से, बॉर्डर पर एकदम हरियाणा के लास्ट और हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर पर ये सिटी है, तो अपने आप में बेहद खूबसूरत है पिंजौर, अपने गार्डन्स की वजह से जाना जाता है। तो अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो इस एक्टिविटी को आप ना करें। अगर आपको चक्कर आने या फिर वॉमिटिंग जैसी कोई भी समस्या है तो भी आप इस एक्टिविटी से दूर रहें। एक बेहद जरूरी बात यह भी है कि बलून में जाने पर ओवरलोड की समस्या से भी बचना चाहिए। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।